नमस्कार जय जोहर दोस्तों, मैं बजाज टूरिस्ट गाइड और आज हमारे बीच हमारे कुछ दोस्त आ रहे हैं केरला से और अभी बात हुआ है लगभग टूटा फूटा क्योंकि उनका लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है तो थोड़ा समझ दें, मुझे थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। अभी कुछ ही देर में वो लोग पहुँचने वाले हैं, उनसे मिलाता हूँ और उन्हें मैं कहाँ कहाँ लेके जाने वाला हूँ और क्या क्या उनके जीवन से एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उनके इस पूरे ट्रेवल में सफ़र में कहाँ कहाँ गए हैं उनके बारे में उनसे बातचीत करेंगे और आप तक उनकी बातों को पहुंचाएंगे, उनसे मिलाएंगे। बने रहिए वीडियो में, इंतजार करते हैं उसका और देखते हैं क्या क्या होता है आज की इस वीडियो में। बने आज इस गाड़ी से हो सके तो हम आज पहुंचेंगे रतनपुर। मेरा सपनों का बाइक, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके, खुले आसमान के नीचे काम करके 200 रुपये में मैं जोड़ जोड़ कर इस बाइक को लिया था और आज तक मेरा साथ दे रहा है और आज तक मेरे को रास्ते में कभी धोखा नहीं दिया है, चाहे वो पेट्रोल का मामला हो या फिर पंचर का। कभी मेरे को रास्ते में धोखा नहीं दिया, घर में आके खड़ा होकर पंचर हो गया है लेकिन रास्ते में कभी नहीं हुआ है। और ठीक आगे देख रहे हैं वहाँ चौक है, वहीं से सीधे बिलासपुर की ओर रास्ता है, वही उसी रास्ते से वो लोग आएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ लेकिन अभी तक पता ही नहीं चल रहा है, कॉल भी नहीं आया है, पता नहीं कहाँ होंगे, कहाँ पहुँचे होंगे और कॉल भी नहीं कर सकता। कॉल करूँगा अभी तो थोड़ा लैंग्वेज में समझने में दिक्कत हो जाता है, उन लोग का लैंग्वेज अलग है, कर्नाटक केरल तरफ से है तो। लेकिन देखते हैं, लोकेशन तो भेज दिए हैं, लोकेशन पता चल गया है, बस पहुंचने वाले होंगे। वाच इट एंड अभी 97,000 फॉलोअर सब्सक्राइबर ऑन स्टार्ट लिफ्ट और छत्तीसगढ़ तो 6 डे बस्तर कोल्ड माइंस ऑन इंडिया तो रतनपुर। रतनपुर इज टूरिस्ट प्लेसेस जैसे, तो भाई लोगों के लिए चाय बनाना है तो चाय में पूछा हूँ रेड टी की मिल्क ट्री, तो मिल्क वाला पियेंगे बोर। प्रेम भाई भी पहुँच चुके हैं, नीतीश भाई हैं और हम अभी निकलने वाले हैं रतनपुर के लिए। रतनपुर में एक बहुत ही ज़्यादा धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से पर्यटन स्थल यहाँ पर हैं और कई मान्यता, कई ऐतिहासिक धरोहर यहाँ से जुड़े हुए हैं। ऐतिहासिक नगरी है, कई राजा ने यहाँ पर राज किया है, राजा रत्नदेव के यहाँ शहर है, महामाया देवी के नाम से यहाँ पूरा प्रसिद्ध है पूरे छत्तीसगढ़ में। जैसे छत्तीसगढ़ में 3 श्री सिद्ध शक्तिपीठ मंदिर मिलते हैं, जैसे माँ बम्लेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़, दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर, वैसे ही महामाया मंदिर रतनपुर। तो अभी हम पहुँच गए हैं, आपको पहले पड़ाव पर लेके आ गए हैं। ये है कोको बावली जो जूना शहर में है और ठीक लखनी देवी मंदिर से कोटा जाने वाले रास्ते में आपको मिलेंगे। तो पहले हम आपको यहाँ विजिट कराएंगे और आज हम आपको कंप्लीट पूरा रतनपुर विजिट कराने वाले हैं इस वीडियो में। बने रहिए, शुरुआत करते हैं कोको बावली से, जहाँ से रतनपुर से इस स्थल से बिलासपुर तक 20 किलोमीटर तक का सुरंग राजाओं द्वारा बनाया गया था। तो ये पानी बहुत ज़्यादा भर गया है तो अंदर नहीं जा सकते। हाय, जय जोहार। जय जोहार, जय जोहार बोलो। जय जोहार, आर यू नाम नाम राजा। मेरा नाम विनीत। विनीत फ्रॉम केरला। केरला से? हाँ केरला। नाम राज। राज 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 हाँ राजा राज आकांक्षा। आकांक्षा वाइस, नाइस नेम। आर यू आर व्हाट इज क्या क्या है क्या है क्या है क्या क्या है देसी टेंट मचेरा पंड നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കഞ്ഞിയും കറിയും കളിക്കൂല അതേപോലെ ദാണ്ട പിള്ളേരും കളിക്കുന്നണ്ട് ദാണ്ട കറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ട്ടാ എല്ലാം തെറ്റാണ് രാജാണ് ഇന്നത്തെ കൊക്ക് രാജ കൊക്കാണ് കുറച്ച് നന്നി നന്നി ബച്ചി ദിക്കിയ ജോ ഇസ് തരഹ സേ ഘർ ബനായേ ഹുവേ ഹേ ഔർ യഹാ ബൈഠേ ഹുവേ ഹേ और मौसम को मज़ा ले रहे हैं और छुट्टी को मज़ा ले रहे हैं, गर्मी को मज़ा ले रहे हैं। क्या सुंदर घर बनाए हैं। एंड यू आर मलयालम लैंग्वेज?
your Kerala language, your introduction, and today tour experience. Short, short. Vinit, Shan, Kerala thinnaana. Nammale innaana Bandu Bai. Bandu. Pintu. Pintu. Sorry, Pintu Bai. ഭയങ്കര ഒരു നൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. പിണ്ടുബായ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഛത്തീസ്ഗഡ് രത്തൻപൂർ കുറച്ചൊക്കെ ചുറ്റി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവസാനം നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് മഹാമായ ടെമ്പിളിലാണ്. പിണ്ടുബായ് സച്ച, പിണ്ടുബായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈസ് അച്ഛ അച്ഛ ഗുഡ്, ശരിക്കും സൂപ്പറാണ്. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പുള്ളിക്കാരുമായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചില്ലാണ്, പൊളിയാണ്, പിന്നെ പിണ്ടുബായാണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മളെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്പോൺസർ. रतनपुर और भाई लोग वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं. अभी मैं लेके आ गया हूँ अपने दोस्त लोग को कुटाघाट डैम, और उन लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं, और यहाँ का मनोरम दृश्य का मजा ले रहे हैं. काफ़ी सुंदर नज़ारा है, और यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है. होगा एक मंदिर डूबा हुआ है जिसे देखने के लोग दूर दूर से आते हैं, और अचानक कभी ऐसा साल होता है जिसमें से मंदिर अंदर जाने के लिए समय मिलता है, ये जब पानी सूख जाता है तो, और बहुत जल्दी यहाँ पर ओवरफ्लो होने वाला है.